साथियों, आज हम जानेंगे डबल डोर फ्रिज के बारे में। इसका में जो कंप्रेसर कैसे चेंज होता है डबल डोर का, और गैस चार्जिंग कैसे फिल किया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं कि कैसे पुराने कंप्रेसर को निकाला जाता है और नया कंप्रेसर रिप्लेस किया जाता है, और गैस चार्जिंग कैसे फिल किया जाता है, ये भी सारा हम बताएंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले सबसे पहले कंप्रेसर को खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले कंप्रेसर खोलने के लिए आपके पास स्पेनर होना चाहिए या स्लाइड रिंच होना चाहिए, इसके माध्यम से या पिलाए पिलास के भी माध्यम से हम लोग खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर को खोल लेंगे और रिले ओवरलोड पुराना जो है इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले वायर को हटा देंगे। चलिए चलिए हम देखें कि हम लोग सारा जो इस कंप्रेसर का स्क्रू था सब खोल लिया हम लोग नट को, और अब क्या करेंगे इस पाइप को हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे। आप लोग पाइप को कटिंग भी कर सकते हैं ट्यूब कट से कटर से, और या तो हीट करके हम लोग पाइप को निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग कंप्रेसर को निकाल लेंगे, पुराने वाले कंप्रेसर को। सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को देखा जाए तो गैस को निकाल लेना है। तो चलिए देखेंगे कैसे गैस को निकालते हैं। खोलिए तो ब्रिजिंग लैंप लगाने से पहले हम लोग सबसे पहले कंप्रेसर सिस्टम का गैस निकाल लेंगे, नहीं तो क्या होगा, सकता है। जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो हम लोग निकाल लेंगे। चार्जिंग बल्ब लगा हो तो बल्ब खोल लेंगे, नहीं तो इसको हम लोग जो चार्जिंग लाइन है उसको काट लेते हैं जहाँ पिंच किया रहता है। तो हम लोग सबसे पहले गैस को रिप्लेस कर लेंगे, गैस को निकाल देंगे और तब हम लोग ग्रीजिंग लैंप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों, देखते हैं कि हम लोग कैसे पाइप को निकाला जाता है। सबसे पहले डिस्चार्ज वाले पाइप को निकाल लेते हैं हीट करके, और अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वाले पाइप को भी हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग चाहें तो पाइप को कटिंग करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों को सबसे पहले सेफ्टी पर ध्यान देना है। हम देखेंगे कि स्टेप बाई स्टेप कैसे कंप्रेसर चेंज किया जाता है। देखिए सक्शन वाला पाइप निकल गया आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर को निकाल लेंगे। कंप्रेसर को निकाल लीजिए। तो देखेंगे हम लोग कि कंप्रेसर को निकाल दिए हैं, और पुराने वाले कंप्रेसर को हम लोग हटा देंगे। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, कंप्रेसर को हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, हम लोग नया वाला जो कंप्रेसर है हम लोग डाल देंगे इसमें, और इसको बढ़िया से सफाई कर लेना पड़ता है। तो इसको बढ़िया से सफाई करके तब कंप्रेसर को आप लोग लगाइए। तो देखें साफ ब्रश होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि अच्छा से सफाई हो चुका है और हम लोग नया कंप्रेसर को डाल रहे हैं। चलिए डालिए। तो यहाँ हम लोग नया वाला कंप्रेसर लगा दिए और इसके नट को हम लोग कस देंगे।
चलिए साथी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग अच्छी तरह से नट को कस लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पाइप को ज्वाइंट करेंगे। तो पाइप ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा पाइप ज्वाइंट करेंगे? डिस्चार्ज वाला पाइप ज्वाइंट करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर पुराना जो ड्रायर है इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी कंप्रेसर चेंज कीजिए, जब भी गैस चार्जिंग कीजिए, पुराना वाला जो ड्रायर है उसको आप रिप्लेस कर देना होता है, नहीं तो चौकिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको ड्रायर को। तो इसको काट लेते हैं या हीट करके निकाल देते हैं। हम लोग देखेंगे कि पुराने वाला ड्रायर हम लोग निकाल दिए और यहाँ पर नया ड्रायर रिप्लेस करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज वाला पाइप है उसको हम लोग जोड़ लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं डिस्चार्ज वाला पाइप। डिस्चार्ज का पाइप लगा लेंगे हम लोग। हम लोग जो ये कंडेंसर का जो पाइप लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, लोहा रहता है, मेटल का रहता है, तो यहाँ हम लोग फ्लक्स लगा के बढ़िया से ब्रिजिंग करेंगे। बिना फ्लक्स का ब्रिजिंग हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स लगा लेंगे हम लोग, जो सुहागा रहता है उसको लगा लेंगे हम लोग बढ़िया से, और उसको अच्छी तरह से ब्रिजिंग कर लेंगे सुहागा लगा करके। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़िया से ब्रिजिंग हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया ब्रिजिंग हो चुका है। कभी भी हम लोग कंडेंसर का जब ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर सुहागा लगा करके करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लशिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडेंसर का फ्लशिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो पूरा कचरा उचरा रहता है वो बाहर आ जाएगा। तो कंप्रेसर को चालू करके और कंडेंसर को फ्लशिंग करेंगे। तो कंडेंसर का बढ़िया से सफाई कर लेंगे। तो यहाँ रिले और चलिए लगाइए रिले और ओवरलोड और चालू कीजिए कंप्रेसर को। और हम देखेंगे यहाँ पर हम लोग का जो कंप्रेसर है वो चालू हो गया और अच्छी तरह से कंडेंसर का फ्लशिंग कर लेंगे कि इसमें अंदर जो भी कचरा हो वो बाहर आ जाए, या तो आयल गया हो वो भी बाहर आ जाए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट इसको फ्लशिंग कर लीजिए। देखिए जो कंडेंसर है हम लोग का बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं आ रहा देखेंगे हम लोगों का तो फ्लशिंग है कंप्लीट हो चुका है। और फ्लशिंग कर लेने से ये भी हम लोग को यहाँ ध्यान हो जाता है कि ये वाला जो हम लोग पाइप ज्वाइंट किए हैं वो ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है, क्योंकि बहुत सारे नए टेक्नीशियन जो होते हैं तो उन लोगों को मालूम नहीं होता है। तो हम लोग को सबसे पहले चेक कर लेना होता है कि यहाँ एयर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। थोड़ा तो आसानी से हम लोग का मालूम चल जाता है यहाँ से
ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्लॉकेज नहीं रहेगा तो आसानी से यहाँ एयर आने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखेंगे कि कहीं कोई भी पाइप हम लोग का ब्लॉकेज ना कर जाए। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ड्रायर लगाएंगे। चलिए ड्रायर लगा लेते हैं, कंप्रेसर को बंद करते हैं और ड्रायर लगा लेते हैं। चलिए ये हम लोगों का जो ड्रायर है सिल्का जेल ड्रायर है, और आप लोगों को भी कभी भी यूज करना है तो सिल्का ड्रायर ही यूज करना होता है, क्योंकि जो सिल्का होता है इसमें क्या वो नमी अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम लोग अगर सिस्टम में हल्का सा भी नमी रहेगा तो ये क्या करेगा, सिल्का जेल जो होता है ऑब्जर्व कर लेता है और चॉकिंग नहीं होने देता है। तो कभी भी फ्रिज में आप लोग जो ड्रायर यूज कीजिए, फिल्टर यूज कीजिए, उसको सिल्का जेल वाला ही बढ़िया वाला यूज कीजिए। तो हम लोग इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, इसमें जो दो लाइन रहता है इसको एक पुश करके पिंच कर लेते हैं और आसानी से यहाँ ब्रिजिंग कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं, ब्रिजिंग कर लेते हैं। और देखेंगे हम लोग का जो ड्रायर है बढ़िया से ज्वाइंट हो चुका है। अब हम लोग कैपिलरी का ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम लोग चलिए कैपिलरी का ज्वाइंट करते हैं। सबसे पहले कैपिलरी का ज्वाइंट करने से पहले इसको हम लोग कट कर लेंगे कैपिलरी को। तो इसको कट कर लेते हैं, हेक्सा ब्लेड देखें। और हम लोग हल्का सा कट करके इसको प्लास के माध्यम से, नोज प्लास के माध्यम से तोड़ लेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोगों का देखिए कितना फ्रेश हो गया। और कैपिलरी को हम लोग साफ कर लेते हैं। तो हर पाइप को बढ़िया से साफ करके ही लगाना है, तो इसको बढ़िया से साफ कर लेंगे कैपिलरी को। तो सिरेस कागज से साफ कर लेंगे या हेक्सा ब्लेड से साफ कर लेंगे। देखिए कितना साफ हो गया। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और यहाँ हम लोग ब्रिजिंग कर देंगे अच्छी तरह से। कैपिलरी के पास से बढ़िया से ज्वाइंट करना होता है कि कैपिलरी का बढ़िया से लगा करके ज्वाइंट कर लेंगे और ज़्यादा हीट नहीं करेंगे कैपिलरी के पास। बस तो देखें कितना बढ़िया से हम लोग का कैपिलरी ज्वाइंट हो चुका है। अब जब कैपिलरी ज्वाइंट हो जाए तो कभी भी जो डबल डोर का फ्रिज है बढ़िया से जो कूलिंग कॉयल होता है इसको बढ़िया से हम लोग फ्लशिंग कर लेते हैं कि अगर कूलिंग कॉयल में आयल गया हो तो सारा निकल जाए, कोई भी कचरा और डस्ट हो तो निकल जाए। तो हम लोग जो ये सक्शन है इसको क्या करेंगे, सफाई कर लेंगे। तो कभी भी बिना सफाई किए कूलिंग कॉयल को इसको ज्वाइंट ना करें तो कंप्रेसर को चालू करके इसको साफ कर लें। तो चलिए कंप्रेसर को चालू करते हैं। तो यहाँ हम लोग कंप्रेसर चालू हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, इस पाइप को हाथ के माध्यम से बढ़िया से पुश करके रखेंगे और 10 सेकंड 20 सेकंड पुश करके रखेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। देखिए इसमें आयल भी आ रहा है बहुत सारा, तो जो भी कचरा होगा अंदर या आयल गया होगा वो आसानी से निकल जाएगा फ्लशिंग करते हैं करते वक्त। आयल आ रहा है इसमें से कॉइल से।
सर कुछ ज्यादा ही आवाज देखिए, अंदर से जो आ रहा है सफाई कर लेना होता है। बिना कूलिंग कॉइल को सफाई किए पाइप को ज्वाइंट न करें, नहीं तो चौकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। और कैपिलरी भी जब अगर जाम रहता है तो कैपिलरी साफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितना ऑयल आ रहा है, देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है बढ़िया से फ्लशिंग हो चुका है। तो चलिए कंप्रेसर को बंद करते हैं और सक्शन का पाइप लगाते हैं। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, सक्शन पाइप बढ़िया से लगा लेंगे। ये पाइप लगाने से पहले हम लोगों को चार्जिंग बल्ब लगा लेते हैं। यहाँ पे चार्जिंग बल्ब हम लोग लगा लेंगे। इसको ही कल तो हम लोग रिले ओवरलोड का वायर हटा लेंगे, उसके बाद चार्जिंग बल्ब को लगाएंगे। तो चलिए चार्जिंग बल्ब लगाते हैं। यहाँ पे चार्जिंग बल्ब बढ़िया से लगा लिए और अब इसमें क्या लगाएंगे, इसका पिन लगा देंगे। पिन लगाने के लिए बढ़िया से इसको ठंडा हो जाने देना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, इसमें जो रबड़ रहता है वो कट जाता है और गैस लीकेज कर जाएगा। तो ये खास तौर पर ध्यान देना है यहाँ पे कि पूरा ठंडा हो जाए, या तो पानी से आप लोग हल्का सा स्पॉन्ज में पानी लेकर के इसको ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी लाइए, ठंडा कर लेते हैं और लगा देते हैं पिन को। जब तक चार्जिंग लाइन ठंडा होगा तब तक हम सक्शन वाला लगा लेंगे। देखें कि यहाँ पे बढ़िया से सब पाइप ज्वाइंट हो चुका है। देख लेंगे यहाँ पे हम लोग का जो ज्वाइंट है खूब बढ़िया हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो चार्जिंग लाइन है उसका पिन लगा देंगे चार्जिंग बल्ब का। तो इसका पिन लगा करके अब इस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। तो इसको लगा दिया जाए। हाँ लगा दीजिए, ठंडा हो गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चार्जिंग पाइप को लगा लेंगे कंपाउंड गेज के साथ और देखेंगे कभी भी चार्जिंग पाइप का ये जो पिन लगा रहता है वो वाल्व की तरफ होना चाहिए, नहीं तो गैस वैक्यूम नहीं हो पाएगा, ना गैस जा पाएगा। तो इसको बढ़िया से लगा लेते हैं और सिस्टम को वैक्यूम में डाल देते हैं हम लोग। बिना वैक्यूम किए कभी भी गैस आप लोग ना डालें, नहीं तो बढ़िया से कूलिंग नहीं आ पाता है, या तो चौकिंग भी हो जाएगा। और सिस्टम बढ़िया से वैक्यूम हो जाएगा तो कूलिंग भी बढ़िया आएगा, क्योंकि क्या होता है फ्लशिंग करते समय हम लोगों का जो सिस्टम में होता है नमी चला जाता है। तो कभी भी वैक्यूम पंप से
बढ़िया से वैक्यूम आप लोग कर लें, बिना वैक्यूम के गैस ना डालें। तो बढ़िया से हम लोग कंप्रेसर के माध्यम से या वैक्यूम पंप के माध्यम से हम लोग वैक्यूम कर लेंगे। कभी भी वैक्यूम पूरा हो जाने दीजिए, -30 पर चला जाए आपका सुई तो समझिए वैक्यूम हो चुका है बढ़िया से। या हम देखेंगे देखेंगे कि धीरे धीरे मीटर डाउन हो रहा है और वैक्यूम बढ़िया से हो रहा है, तो बढ़िया से वैक्यूम हो जाने देंगे आपके। यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे जा रहा है वैक्यूम पे सेट हम लोगों का, जब -30 पर चला जाए बढ़िया से वैक्यूम हो जाए तब हम लोग गैस चार्ज करेंगे। तो इसको वैक्यूम के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट। चलिए देखते हैं, हम यहाँ मीटर पर देखते हैं कि जो हम लोगों का मीटर है वो -30 पर चला गया है और बढ़िया से वैक्यूम हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। देखें कि यहाँ हम लोग का जो सिस्टम है बढ़िया से वैक्यूम हो चुका है, तब वैक्यूम से हटा देंगे। वैक्यूम जब बढ़िया से हो जाए तो इस वाल्व को हम लोग बंद कर लेंगे, उसके बाद कंप्रेसर हम लोग बंद करेंगे या वैक्यूम पंप बंद करेंगे। बंद कर दीजिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, गैस फिल करेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग का वैक्यूम बढ़िया से हो चुका है और गैस डालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एंटी मोस्ट इसमें डाल लेंगे कि हल्का सा भी थोड़ा नमी उमी हो तो चौकिंग न कर पाए। एंटी मोस्ट डालने से हल्का सा, या इसको खोल लेंगे, हल्का हल्का खोलेंगे, इसको जाने देंगे। कभी भी एंटी चौक डालिए तो आप मीटर में ही डालिए। देखिए यहाँ से हल्का हल्का खोलते जाइएगा, ये ले लेगा। और यहाँ हम लोग डाल लिए हैं एंटी चौक, अब इसको कस लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कभी भी गैस डालने से पहले स्कैन को आप उल्टा कर लें, अब गैस को खोल दें। खोलिए इसको यहाँ, और उसके पहले क्या करेंगे, इसमें जो एयर था, क्योंकि वैक्यूम यहाँ से हुआ है इस पाइप से नहीं हुआ है, तो इसका एयर निकाल लेंगे हल्का सा गैस खोल कर। खोलिए थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे कि हम लोग का एयर निकल चुका है बस। और इसमें गैस डाल देंगे, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक एक चार्जिंग पाइप मतलब थोड़ा थोड़ा करके गैस डालेंगे। और डबल डोर में जो गैस का प्रेशर रहता है वो 10 से 12 PSI हम लोग डाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग का वैक्यूम टूट चुका है और कंडेंसर भी हीट होने लगा है, यानी कि
सिस्टम सही काम कर रहा है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो हम लोग गैस है अभी मात्र 4 से 5 PSI डाले हैं, और देखेंगे कि यहाँ सिस्टम कितना बढ़िया काम कर रहा है। पूरा भाफ भाफ हो गया है, कूलिंग जो कॉइल कूलिंग कॉइल है उस पर आइस आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ देखेंगे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो हम लोग अभी जो गैस डाले हैं मात्र 4 से 5 PSI डाले हैं, अभी कम से कम 10 से 11 PSI डालेंगे हम लोग गैस, तो कूलिंग बहुत बढ़िया आया हुआ है। यानी कि देखेंगे कि जब हम लोग कभी भी डबल डोर में हो या सिंगल डोर में हो, दिक्कत सबसे पहले हम लोग देखा जाता है कि हम लोग सिस्टम को फ्लशिंग कितना किए हैं, सफाई कितना किए हैं। तो मेन सफाई होता है कि चेंबर आपका बढ़िया से सफाई हो जाए, कूलिंग कॉइल बढ़िया से सफाई हो जाए, अंदर जो आयल गया रहता है वो निकल जाए बाहर, और कंडेंसर को भी बढ़िया से सफाई कर लेते हैं। तो बढ़िया से अगर फ्लशिंग करके करेंगे सिस्टम हम लोगों का बहुत बढ़िया ही काम करता है। और देखेंगे यहाँ कितना बढ़िया काम, अभी मात्र 30% ही गैस डाले हैं लोग, उतना ही में कूलिंग खूब बढ़िया आ गया है, और कॉइल पर आइस आना भी चालू हो गया है हर कॉइल पे। यहाँ देखेंगे हम लोग, और पूरा वाश वाश हो गया। तो जो सिस्टम है हम लोगों का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलिए और गैस डालते हैं, और धीरे धीरे और हम लोग गैस डाल लेंगे। यहाँ देखेंगे कि लगभग गैस हो चुका 5-6 PSI हो चुका है, 10 PSI हम लोग डालेंगे, प्रेशर काफ़ी है क्योंकि कूलिंग बहुत बढ़िया उठा लिया है आ गया है। तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि कंप्रेसर को कैसे चेंज किया जाता है और कौन कौन सा प्रोसेस से चेंज किया जाता है। कंप्रेसर चेंज कभी भी कंप्रेसर चेंज करें या गैस चार्जिंग करें, पुराना वाला सिंकर ड्रायर जो होता है ड्रायर उसको निकाल लें, नया लगा दें, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं और परेशान हो जाते हैं, गैस चोकिंग करने लगता है। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोगों का जो कंडेंसर है पूरा हीट हो रहा है, और टेम्परेचर मीटर से भी हम लोग देख लेंगे, टेम्परेचर मीटर लेके आइए, तो टेम्परेचर मीटर से भी देख लेंगे कि हम लोगों का कितना कंडेंसर जो है हीट हो रहा है। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग का जो गैस है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग का गैस कंप्लीट हो चुका है, अब देखेंगे चल के वहाँ पे कूलिंग कॉइल के अंदर, और यहाँ देखेंगे कि जो हम लोग का कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 51 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है, और हम लोगों का गैस भी कंप्लीट हो चुका है। अभी और हीट होगा, और देख लीजिए इसका जो प्रॉब है उसको हम लोग ऊपर लगाए हुए हैं, मीटर का जो प्रॉब होता है। यहाँ देखेंगे धीरे धीरे और बढ़ रहा है, 53-54 डिग्री हो चुका है, यानी कि ये कम से कम 60 से 65 डिग्री जाएगा इसका टेम्परेचर जो है, और बढ़ते आ रहा है। चलते हैं आगे कूलिंग कॉइल में देखने, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितना बढ़िया से सिस्टम हम लोगों का काम कर रहा है, पूरा बढ़िया से हर कॉइल पर आइस आ चुका है। डबल डोर में यही मेन देखा जाता है कि हम लोगों का कितना कॉइल पर आइस आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हर कॉइल पर आइस आ चुका है, और फैन भी हम लोगों का चल रहा है। तो हम लोगों का जो गैस का है कंप्लीट हो चुका है हर चीज़, अब इसको हम लोग बंद कर लेंगे, इसको आसानी से हम लोग बंद कर लेंगे, छोड़ देंगे इसमें पानी में डाल कर, सत्तर निकला है। चलो,
और आप लोग यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, 57 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है कंडेंसर का। तो हम लोग का जो सिस्टम है पूरा बढ़िया से काम करने लग कर रहा है, और हम लोगों का यही सारा प्रोसेस जो ख़त्म होता है गैस चार्जिंग का। अब हम लोग इस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है हम लोग का गैस चार्जिंग, और गैस भी कंप्लीट हो चुका है देखेंगे। तो चलिए साथियों, आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।